ठीक बाल की भी हाँ जी। मेरी जान मेरा नुसरत फतेह अली खान ये बात है। हाजी इकबाल ने की भी, इससे कोई भिड़े मत, मेरी जान है, हम एक हैं और एक रहेंगे, एक ही रहेंगे और एक हैं, एक एक हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिमत पाकिस्तान से नईमुर रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल से आप एक वायरल देख रहे हैं वीडियो राहत फतेह अली खान साहब की, जो खा पी कर जो है वो निकले हैं और साथ उनके फ्रेंड्स खड़े हैं और बंदा एक जो है वीडियो बना रहा है। तो जाहिर है कि इनके साथ जो फ्रेंड खड़े हैं जो वीडियो के अंदर और जो बंदा वीडियो बना रहा है तो इनके घर का ही बंदा होगा, यानी घर से बराती होती है, इनका दोस्त होगा या कोई अजीज़ो कारब होगा कोई, मतलब इनके आपस के ही ये लोग थे जिन्होंने ये वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो बना के उन्होंने फिर वायरल कर दी, तो ज़ाहिर है कि उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो पहली बात तो ये है कि मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे जो इनके चाहने वाले हैं राहत फतेह अली खान साहब के, वो अपने सख्त रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं और उनको ये जो उनकी जो हरकत है वो बड़ी उनको नाज़ेबा लगी है। और वो उनका यही कहना है कि हम क्या इमेज देंगे लोगों को, यानी कि हमारे जो बच्चे हैं जो उनको देख के जो फॉलो करते हैं या कोई सिंगर बनते हैं तो उनको क्या उनको जो है वो एक यानी कि मिल रहा है कि क्या कि हमें ये काम भी साथ करना चाहिए। तो लोगों ने जो है इसकी मुखालफत की है भाली है। तो मेरा एज ए पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो बात करना चाहूँगा वो ये बात करना चाहूँगा, ठीक है ये करते हैं हर बंदे की अपनी एक पर्सनल लाइफ है, लेकिन ये है कि ये जो चीज़ उन्होंने जो की है ये इसको सरेआम सामने नहीं आना चाहिए था। मतलब ये खुद भी जो है एक तजर्बाकार शख्स हैं, एक उनका एक नाम है, उन्होंने दुनिया घूमी हुई है, लोगों में उठते बैठते हैं और नेटवर्क का उनको सारा पता है, मोबाइल क्या चीज़ है और ये सब चीज़ों को उनको पता है। तो इसके बावजूद भी वो जो है वो बहकावे में आए और किस तरह से उन्होंने जो है इसकी वीडियो बनाई और आगे सोशल मीडिया पे वीडियो जो है वो जो है वहाँ पे अपलोड हो गई और आगे लोगों ने देखा तो उनकी जो है फिर इसमें ज़ाहिर उनकी फिर बेइज्जती हुई इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इससे बुरा मना रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि मैंने लास्ट टाइम भी ये बात कही थी कि ये मीडिया वॉर दौर चल रहा है, इसके अंदर जो है बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है आपको हर लिहाज से, यानी कि कोई भी बुरा काम करने के लिए आपको एहतियात की ज़रूरत है। पहली बात तो ये बुरा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो मकसद कहने ये कि मैं आपको बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जो मोबाइल है ये एक ऐसी चीज़ मतलब बन चुका है कि ये चलते फिरते आपको यानी कि आपको एक ऐसी चीज़ डाल दी है, चलते फिरते हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, बातें चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है। तो जाहिर है कि हर जगह जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और लोग जो है वहाँ से गुजर रहे हैं, उनके सबकी वीडियोस बन रही हैं, मार्केट जा रहे हैं वहाँ वीडियोस बन रही हैं, तो रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो रहा होता है। तो जाहिर है उसी अब जितना भी हमारे माशरे में जो लोग पकड़ में आ रहे हैं वो सिर्फ मीडिया की वजह से ही आ रहे हैं, कोई वीडियो उनकी बन जाती है वायरल हो जाती है तो उनका सारा पोल जो खुल जाता है। तो भल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला की जो कायनात, अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है, अल्लाह ताला ने यानी कि अल्लाह ताला यानी क़यामत वाले दिन जो है वो आप ने जितने भी बुरे काम ज़िंदगी में किए हैं, मैं नहीं कहता हूँ मैं अच्छा बंदा हूँ, मैं भी बहुत बुरा शख्स हूँ, मुझसे बड़े गुनाह हुए हैं, लेकिन मैं एक ओवरऑल बता रहा हूँ बात कि आप जो बुरा काम करते हैं या अच्छा काम करते हैं क़यामत वाले दिन वो तमाम चीज़ें जो है आपके सामने आएंगी। तो इसी तरह मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भी इंसान को शायद समझाने के लिए जो है मोबाइल ईजाद की जो एक आई है इन्वेंशन हुई है वो भी अल्लाह ताला, ज़ाहिर अल्लाह ताला जब कोई भी इन्वेंशन या कोई चीज़ होती है अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है, इंसान सोचता है उसके ऊपर, अल्लाह ताला उसको देता है तो वो उस पर सोच के जो उस पर काम करता है उसको कामयाबी होती है। ज़ाहिर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ज़िंदगी अपने जो है कायनात को जो है वो मतलब ढूंढो, तस्खीर करो यहाँ पे क्या कुछ है, क्या क्या चीज़ें तुम्हारे लिए सब कुछ बना के रख दी हैं। तो मकसद कहने का ये है कि इसी तरह मोबाइल जो है ये भी एक इंसान के ऊपर समझो एक चौकीदार बन गया है, ये तो ये भी अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बना दी दुनिया के अंदर कि इससे भी लोगों को सबक सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप मर जाएंगे उसके बाद कोई माफ़ी नहीं है, आखिरी सांस तक माफ़ी है, अगर आप माफ़ी मांग लें अल्लाह ताला से अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, लेकिन मरने के बाद जो है फिर कोई चांस नहीं है। तो इसी तरह ये जो मोबाइल है, ये जो आजकल मीडिया वार चल रहा है, ये एक समझने की ज़रूरत है इस बात की कि भाई ये सारा कुछ जो है ये समझो आपके साथ एक चौकीदारी लगी हुई है, आप जो है एहतियात करें और जो है इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। तो राहत फतेह अली खान साहब मेरे भी बड़े अच्छे, मैं भी इनको बड़ा फेवरेट जो है वो मेरे फेवरेट हैं बड़े वो, और मैं उनको बड़े शौक से सुनता हूँ और बड़ा इंस्पायर उनसे। तो बाल ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, इसकी मैं ज़रा इसकी मैं मतलब वो करता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो बाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ, अल्लाह हाफिज़।